हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता सिंह आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ इंडियन डिश जो कि बहुत ही फेवरेट है, हमारे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी इंस्टेंट वीडियो है जो कि आपको सिर्फ 10 मिनट में पाव भाजी बनाना सिखाएगी। आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं उसमें मैंने ये 4 बड़े उबले हुए आलू लिए हैं, साथ में बड़े कटे हुए करीब आधा किलो टमाटर लिया है, 100 ग्राम बटर लिया है, 2 बड़ी कटी हुई प्याज, साथ में 2 बड़ा तेल का चम्मच भरा हुआ, और नमक मिर्ची स्वाद अनुसार लेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने मटर और गोभी, साथ में शिमला मिर्च और गाजर ये लिया है। आइए देखते हैं इसको आगे क्या करना है। वैसे तो कई लोग सब्जियों को बॉईल करते हैं, लेकिन आज हम इंस्टेंट बना रहे हैं इसलिए इसको हमें डायरेक्ट इस तरह से किस तरह से इसको यहाँ पे मैश करना है ये सिखा रही हूँ। देखिए, जितने भी हमने मटर, गाजर, शिमला मिर्च और गोभी ली थी, इसको मैंने इस तरह से मिक्सी में डाल दिया। और अब ये इसको मैं आपको बताऊंगी, इसको पूरी तरह से नहीं आपको पीसना है, बस थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे हल्का सा क्रश करना है। उसके लिए हम इस तरह से चला करके बंद करेंगे, तो 1-1 सेकेंड के लिए चलाएंगे। और ये मैंने बंद किया, ये देखिए इस तरह से रोक रोक करके जब हम पीसते हैं तो ये दरदरा पिसा जाता है। और अब आइए देखते हैं इसके कैसे करेंगे हम। ये 2 बड़े चम्मच भर के इस तरह से तेल डाल दिया हमने। तेल गरम होने के बाद में इसमें हम प्याज डाल देते हैं और इसको गरम अच्छा गुलाबी होते तक भून लेते हैं। आइए देखिए कैसे, ये देखिए हल्की गुलाबी होनी शुरू हो गई है। अब इसी समय हमने ये जो पहले से ये मिक्सी में इस तरह से बारीक करके सब्जियाँ रखी है, इसको हमने डालना स्टार्ट कर दिया है। और थोड़ा सा तेल हमने ज़्यादा रखा ताकि सब्जियाँ बहुत अच्छे से हमारी भून जाएँ। इसको मिक्सी में मैश करने में हमें फ़ायदा ये है कि हमें बहुत ज़्यादा इसको काटने वटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें बॉईल करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये बड़े इजीली हमारा काम यहाँ पे मिक्सी से हो जाता है। ये देखिए हमारी सब्जियाँ पक गई हैं और ये तेल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें 2 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला डाल देंगे। पाव भाजी मसाले बहुत तरह के आते हैं, साथ ही इसमें थोड़ा सा पकाने के हिसाब से भी हम हल्का सा भी नमक डाल रहे हैं ताकि ये जो हमारी सब्जियाँ हैं ये और अच्छे से पक जाएं। और 1 क्यूब जो हमने 100 ग्राम वाला बटर लिया है, इसमें से 1 क्यूब काट करके हम बटर का डाल देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने मिक्स किया, साथ में जैसे हमने सब्जी को क्रश किया था मिक्सी में थोड़ा थोड़ा चला करके, ऐसे ही मैंने ये टमाटर को भी क्रश किया है। देखिए इसको भी हम इसमें मिला देंगे। और अब ये जैसे जैसे पकने लगेगा, इसमें देखिए पहले से ही मैश करके मैंने पोटैटोज रखे हैं, 4 बॉईल किए हुए थे, इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया। और इसको भी हम अच्छे से चलाएंगे। आलू डालने के बाद में आलू के हिसाब से ये मैंने नमक थोड़ा सा और डाला, और साथ ही 1 चम्मच करी भर के टेस्ट के हिसाब से इसमें पाव भाजी मसाला और मिलाया है। ये हमारी सब्जी जो पाव भाजी है ये रेडी लगभग हो रही है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये खूब अच्छे से मैश हो जाए। और हमारे पास में ये मैशर रखा हुआ है, इससे हम धीरे धीरे करके मैश करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पूरा मैश हो गया है बढ़िया और खाने के लिए रेडी है। लेकिन साथ में हमको थोड़ा सा 1 क्यूब और डालना पड़ेगा, और गार्निशिंग के हिसाब से टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली। और इस तरह से हम इसको मिलाएंगे, सर्व करने से पहले ये इसका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आइए देखते हैं प्लेटिंग इसकी कैसे करना है हमें। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म पाव भाजी रेडी है।